अपना माइक और कैमरा दोनों बंद रखेंगे, ठीक है। अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो जो भी नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं, हम उसको क्लासेस में कवर कर रहे हैं, ठीक है। आज भी हम एक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं वो आपको याद रखनी। नंबर एक कि आपका एक तो माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए, ठीक है। जब तक कि आपसे ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता है, जब तक आपको बंद रखना है। उसके बाद आपका कोई भी सवाल होता है या कोई भी डाउट होता है, तो आप इनकॉल मैसेज में पूछेंगे। और इनकॉल मैसेज में कैसे जाएंगे आप, तीन बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको इनकॉल मैसेज का मिल जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि आपको है ना उसका आंसर कॉल सेक्शन में करना है। तो कॉल सेक्शन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीन बिंदु पर क्लिक करना है। तीन बिंदु पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपके पास एक्टिविटी का आएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको पोल, और वन एक्टिव नजर आएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। किसी बच्चे का बेटा माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे पहले। गुड इवनिंग सर। हाँ माइक बंद करेंगे बेटा, माइक गुड को इवनिंग बंद कर सर। लेंगे बेटा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग दीपांशु, अपना माइक बंद करेंगे अभी। चलिए तो यहाँ ध्यान देंगे आप कि हम सबसे पहले वो देख लेते हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो हम मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा की बात कर रहे थे, और किसके गुणा की बात कर रहे थे, हम भिन्नों के गुणा की बात कर रहे थे, ठीक है। कि कैसे हम भिन्नों के गुणा करते हैं आपस में। तो सबसे पहले हम भिन्न को जान लेते हैं, है ना। इतने दिन हो गए क्लास मतलब नहीं हुई है, तो हो सकता है कि काफी बच्चे भूल गए हो कि भिन्न क्या होते हैं। तो एक बार मैं जल्दी से उसको रिवाइज करा देता हूँ कि भिन्न क्या होते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है इसको फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन बोले। तो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या होते हैं कि इस तरीके के जो भी नंबर्स आपके पास दिए जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे, है ना। ये भिन्न होंगे हमारे पास, या इसको बोला जाता है कि ये पूर्ण का है ना कुछ भाग होता है, पूर्ण का कुछ भाग होता है, पूरे का कुछ भाग, ठीक है। और भिन्न को आपको समझना है कि ये कितने प्रकार के भिन्न होते हैं। तो यहाँ हम तीन प्रकार के भिन्न हमने देखे, है ना, तीन प्रकार के भिन्न हमने देखे। पहला जो नंबर आता है वो आता है उचित भिन्न, ठीक है। और बेटा माइक बंद करेंगे किसी बच्चे का, माइक को बंद रखना है। मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बोला है अपना, है ना, माइक बंद रखेंगे क्लास के दौरान। हाँ सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है, कि क्लास के दौरान आपको है ना माइक बंद रखना है। जब आपको बोला जाएगा ओपन करने के लिए तब आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ उचित भिन्न की बात कर रहे हैं। तो उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न बेटा जिसमें अंश है ना क्या होता है, कम होता है, और सर हर बड़ा होता है, कम होता हर बड़ा, हर बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। दूसरे नंबर के भिन्न की अगर बात करेंगे, बेटा माइक बंद कर लेंगे अभी, हाँ, तो ये हमारे पास क्या होगा, अनुचित भिन्न। तो दूसरे नंबर का भिन्न होता है अनुचित भिन्न, जिसमें है ना अंश बड़ा होता है, हर बड़ा और छोटा होता है, हर छोटा होता है, अंश बड़ा होता है। अभी तीसरे नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो तीसरा नंबर मिश्रित भिन्न, वेरी गुड बेटा, मिश्र भिन्न बोलते हैं। अब इस यहाँ पर इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना। उचित भिन्न को प्रॉपर बोलते हैं, अनुचित भिन्न को बोलते हैं इम्प्रॉपर, और मिश्र को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर कैसा होता है, इसमें एक पूर्ण संख्या होती है और एक हमारे पास क्या होता है, उचित भिन्न होता है। तो इस तरीके के जो भी नंबर आएंगे उसको बोलेंगे मिश्र भिन्न, ठीक है, उसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं, जो पूर्ण के पूर्ण संख्या के मेल से बने हो। वेरी गुड। तो अभी हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, गुणा की, कि किस तरीके से हम इनको आपस में गुणा करते हैं। दो तीन तरीके हैं बेटा, उनको आपको समझना है, और फिर उसके बाद मैं ना क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। तो ध्यान से समझेंगे, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट अगर रह जाए तो वो पूछ लेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने लिखा कि अगर आपके पास एक पूर्ण संख्या है और उसकी गुणा आप कर रहे हैं एक उचित भिन्न के साथ, तो आपको क्या करना है। मैंने बताया आपको कि इसके नीचे आप एक मान लेंगे, है ना, इसके नीचे एक मान लेंगे, और अगर डिवाइड हो रहा है ऊपर नीचे, अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे,
क्रॉस अगर डिवाइड हो रहा है तो क्रॉस भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ क्रॉस देखो डिवाइड हो रहा है, जैसे दो एकम दो और दो दुनी चार, चार सर ये कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा है दो बटे एक गुना एक बटे एक, है ना। तो सामने बेटा ध्यान देंगे, अभी एक मिनट समझ लेंगे, है ना। अगर ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, तो ध्यान से समझेंगे, है ना। तो यहाँ सामने सामने आप गुणा करेंगे, आप एक को अगर हम काटेंगे तो तब भी एक ही आएगा, तो इसलिए हम इसको नहीं काटते अभी। तो दो एकम दो करेंगे और ये हो जाएगा बेटा एक एकम एक। बेटा ये वाला पॉइंट आपको समझना है कि आप दो बटे एक लिखे या फिर आप दो लिखे, दोनों का आंसर सेम ही होगा बेटा, ठीक है। दो बटे एक लिखते हैं या फिर दो लिखते हैं, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपने एक बटे दो लिखा है और दो लिखा है, ये दोनों चीजें अलग अलग है ना। एक बटे दो का मतलब होता है आधा, है ना। जैसे मैंने कहा कि ये एक रोटी है, रोटी में से दो पार्ट मैंने कर दिया तो एक पार्ट आपको दे दिया, वो हो गया आधा। लेकिन दो का मतलब तो दो रोटी होगी ना, तो ये दोनों चीजें अलग हैं। लेकिन आपके पास अगर लिखा हुआ है दो बटे एक या फिर दो, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर मैंने लिखा दस बटे एक या फिर आप क्या लिख सकते हैं, दस लिख सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो अगर ये चीजें समझ में आई है तो बेटा आगे आ जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि एक पूर्ण संख्या की गुणा अगर आप करते हैं किसमें, एक उचित भिन्न। लेकिन अगर आप गुणा करते हैं एक पूर्ण संख्या की एक मिश्र फ्रैक्शन में, है ना, मिश्र भिन्न में, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे मैंने लिखा पांच एक बटे दो, तो इसमें आप गुणा करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये जो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आपको विषम भिन्न में चेंज करना पड़ेगा, अनुचित भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। अब जिसको नहीं आता है बेटा अनुचित भिन्न में चेंज करना, वो ध्यान से समझेंगे। क्या करेंगे कि आप, है ना, इन दोनों नंबर की गुणा करेंगे हमेशा, जब भी आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगा, जो भी यहाँ पर दो नंबर होंगे उसकी आपको गुणा करना है, और गुणा करने के बाद ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा पांच दुनी दस और एक ग्यारह, तो ग्यारह बटे दो आ गया, ग्यारह बटे दो आ गया, और आपने इसके नीचे एक माना। अब देखो यहाँ पर कोई भी नंबर है ना डिवाइड नहीं हो रहा आपस में, कोई भी भाग नहीं हो रहा है आपस में, तो कोई भी भाग नहीं हो रहा है, तो अंश की गुणा अंश के साथ करना है, हर की गुणा हर के साथ, हर के साथ सर। हाँ, तो ये आ जाएगा क्या, पचपन बटे दो, पचपन बटे दो, यस सर। जो सर पांच की सर दो से गुणा करें सर, दो का दो नीचे आ जाएगा सर। हाँ, दो का दो नीचे ही आएगा बेटा, जो भी नीचे होगा नंबर, कोई भी संख्या होगी नीचे वो संख्या ही आएगी, जैसे चार है तो चार आएगा, सात सौ अट्ठाईस, अट्ठाईस और एक उनतीस बटे चार, है ना। तो जो भी नंबर नीचे दिया होगा वो ही नंबर आएगा। ओके सर। चलिए तो अभी ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमने किया, अभी हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करें। तो तीसरा टाइप का क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पर कि आपको अगर दोनों भिन्न दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाए, भिन्न आ जाए, और यहाँ पर भी आपके पास आ जाए भिन्न, है ना, तो आपको कैसे गुणा करेंगे वो आप देखेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या करना है हमें, अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखो पांच एकम पांच, पांच दिया पंद्रह, है ना, ये डिवाइड हो रहा है, और फिर उसके बाद देखो ये भी डिवाइड हो रहा है, तीन एकम तीन और तीन दुनी छह, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है, दो एकम दो और दो दुनी चार, तो आपके पास सिर्फ है ना दो बचा, यहाँ पर कितना बचा है दो बटे एक, और यहाँ पर बचा है एक बटे एक। सामने सामने गुणा करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा दो एकम दो, एक एकम एक, या फिर आप दो ही लिख सकते। क्या चीजें समझ में आई है? यस सर। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का डाउट रह गया तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ, इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और ध्यान से समझेंगे। अगर किसी भी बच्चे का डाउट रह गया है तो यहाँ पर उस डाउट को क्लियर कर लेंगे। मैंने लिखा सोलह बटे पांच और यहाँ पर लिख दिया सात बटे अठारह, सात बटे अठारह मैंने लिखा, ठीक है। अब देखो गुणा करना है, देखो पांच सोलह बटे पांच डिवाइड नहीं हो रहा, सात बटे अठारह भी डिवाइड नहीं हो रहा, पांच और सात भी डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन सोलह और अठारह दो से डिवाइड हो रहा है, दो अट्ठे सोलह यहाँ पर आ गया, और दो निम अठारह, तो
तो ये आपके पास आ गया 8/5 गुणा 7/9। अब आपको सामने सामने गुणा करना है, सामने सामने आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 × 56 और 5 × 45। तो ये आंसर आपका होगा। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा सबको? सर यस यस बेटा बोलिए। सर आपने 8/5 और गुणा 7/9 लिख रखा सर, इसको एक भी गुणा नहीं कर सकते सर, सीधा ही लिख सकते आंसर। सर अगर कोई कट नहीं रहा तो सर ऐसे की ऐसे गुणा हो जाएगी ना? हाँ, अगर नहीं कट रहा है तो बेटा डायरेक्ट गुणा करें। ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं कट रहा है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही गुणा करा, ठीक है। चलिए आगे आ जाते बेटा, चौथे नंबर पर आ जाते हैं कि चौथे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा। कि चौथे टाइप का क्वेश्चन होगा कि एक आपको मिश्र भिन्न दे दिया जाएगा और एक आपको दे दिया जाएगा भिन्न, ठीक है। ये मुझे आता है सर, अभी आता अभी सिंपल बिल्कुल सिंपल, वेरी गुड। अभी ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, एक मिनट ध्यान से सुनेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पांच, पहले इसको विषम भिन्न में चेंज करना है, 5 × 10 और 1 × 11, तो 11/2 आ गया और ये आ गया 3/16। तो यहाँ देखो कोई भी नंबर नहीं कट रहा है ना, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, क्रॉस नहीं कट रहा है, सामने सामने नहीं काटना है आपको। ध्यान रखना है कि सामने सामने नहीं काटेंगे। सामने सामने क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि सामने सामने हम गुणा करते हैं, सामने सामने हम करते हैं गुणा। तो 11 × 33 और 16 × 32, तो ये आंसर आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आई गई है बेटा सभी बच्चों को? चलिए, अगर चीजें सभी बच्चों को समझ में आई है तो अभी रिकॉल टेस्ट ले लेते हैं, है ना, और सभी बच्चे उसका है ना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन में बंद कर रहा हूँ आपका, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में जाकर आप इसका आंसर करेंगे। सर मिश्रित भिन्न में क्वेश्चन, ये देखो बेटा क्या दिया हुआ है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर दिया हुआ है 9 की गुणा करना है आपको 3/2 में, ये क्वेश्चन। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। सर मैंने भेज दिया आंसर। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर भेज दिया है, वेरी गुड। अभी सभी बच्चे अपना आंसर है ना पोल सेक्शन में करेंगे। सर भेज दिया सर मैंने। वेरी गुड बेटा, इसमें नहीं आ रहा एक्टिविटी का ऑप्शन, एक्टिविटी का नहीं आ रहा है ऑप्शन, तो बेटा ध्यान रखेंगे, जैसे ही मैं पोल को बंद करूंगा तो चैट सेक्शन में आप आंसर कर सकते, ठीक है। चलिए बाकी जितने बच्चों के पास पोल आ रहा है बेटा, सभी बच्चे आंसर करें। यस सर मैंने भी कर दिया। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है तो इसी तरीके से सभी बच्चों को है ना आंसर करना है। बेटा मैं क्लास को आगे बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊंगा जब तक कि सभी बच्चों के आंसर नहीं आएंगे। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, मैंने बोला है आपको पहले भी कि आपको है ना सभी बच्चों को एक्टिव रहना है। अगर आप क्लास में एक्टिव रहेंगे, जो चीजें आपसे पूछी जाती है आप उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो इसी तरीके के क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे सेट का एग्जाम आपने दिया होगा तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको मिले होंगे। चलिए अभी काफी बच्चे रह गए हैं जिन बच्चों ने आंसर नहीं करा। बेटा अभी बस मेरे पास 3 से 4 बच्चों के आंसर आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करें। एटलीस्ट आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए है ना, उसको आप नोटबुक में सोल्व कीजिए। नोटबुक में सोल्व करने के बाद आप पोल सेक्शन में अपना उत्तर दे सकते। एक क्लास में कम बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं बेटा सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए जब तक सभी बच्चों के आंसर नहीं आएंगे जब तक क्लास को बिल्कुल भी आगे नहीं लेके जाएंगे। जल्दी से सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे, जो आंसर नहीं करा है जिन्होंने, जल्दी अपना आंसर करेंगे बेटा, जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे अपना, ठीक है। और जिन बच्चों को पोल सेक्शन में नहीं आता है जाना, मैं फिर से बता देता हूँ आपको
तीन बिंदु पर क्लिक करना है। तीन बिंदु पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाता है बेटा आपके पास एक्टिविटी का, है ना। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं ABC। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और फिर वोट कर देना। चलिए बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, काफी बच्चे रह गए हैं अभी भी जिन्होंने आंसर नहीं किया है। मैंने कर दिया सर। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे, हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों ने आंसर नहीं किया है, और मैंने बोला है उनको कि आपको एक्टिव रहना है क्लास में। कुछ फायदा नहीं होने वाला कि आप एक घंटे की क्लास को भी अटेंड कर रहे हैं और आप कुछ सीख कर नहीं जा रहे हैं क्लास। तो अगर आप क्वेश्चंस को ही सोल्व करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस आप करेंगे क्वेश्चंस की, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। बेटा अभी आंसर नहीं दिखाएंगे, मैं पोल को बंद करूंगा अभी, उसके बाद आप आंसर दिखाएंगे। नई कॉपी बनाइए सर, ठीक है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, सभी बच्चों का आंसर आया है, है ना। सभी बच्चों का आंसर सही आया है और इसका आंसर आ रहा है बेटा ए ऑप्शन सही होगा, है ना, क्योंकि इसके नीचे एक मान लेंगे और सामने सामने गुणा करना है बस। यस सर, क्योंकि ए ऑप्शन आ रहा है, कोई कट नहीं रहा है। तो 9 या 27/2 आंसर आ, 27/2 आंसर आ, ठीक है। तो मैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं अभी, सभी बच्चे इसी तरीके से आंसर करेंगे बेटा। जितने बच्चों ने आंसर किया है मतलब आपका 100% रिजल्ट रहा है, सभी बच्चों का आंसर सही, सभी बच्चों ने आंसर सही किया है ना। तो सभी बच्चे इसी तरीके से अपने नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, सभी बच्चे पोल सेक्शन में अपना उत्तर देंगे। तो ये रहा, अच्छा पहले कुछ पॉइंट्स है बेटा, उन पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ देखो क्या पॉइंट दिए गए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल या तो दोनों संख्याओं से बड़ा होता है अथवा बड़ी संख्या के बराबर होता है। देखो यहाँ पर सिंपल सी चीज बोली गई है कि जब आप दो नंबर की गुणा करते हैं तो आपके पास देखो 8 आया है, तो ये जो 8 आया है ये 2 से भी बड़ा है, है ना, 2 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है। तो यही पॉइंट बोला गया है कि अगर आप गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद जो नंबर आएगा वो दोनों से बड़ा होगा, या तो दोनों से बड़ा होगा या फिर बड़ी संख्या के बराबर होगा, या फिर बड़ी संख्या के बराबर होगा। जैसे 5 × 1 कर रहे हैं तो 5 आया, तो ये जो 5 है ये बड़ी संख्या, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 5, तो 5 के बराबर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर बोला गया, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस। चलिए तो आगे आ जाते हैं। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, 2 उचित भिन्नों के गुणनफल का मान दोनों भिन्नों में प्रत्येक से छोटा होता है, है ना। 2 उचित भिन्नों की अगर आप गुणा करते हैं, जैसे मैंने करा 3/4, मैंने करा 1/2, अगर गुणा कर रहा हूं मैं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3/8, है ना। 2 उचित भिन्नों के गुणनफल का मान, जो ये वाला जो मेरे पास आया है वो दोनों भिन्नों में प्रत्येक से छोटा होता है, मतलब ये जो आया है ये 3/8 ये 3/4 से भी छोटा होगा और 3/8 1/2 से भी छोटा होगा। क्या पॉइंट समझ में आया बेटा आपको? यस सर। चलिए अभी तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। उसके बाद बोला है 2 विषम भिन्नों का गुणनफल उनमें से प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है। अगर विषम भिन्न की गुणा आप कर रहे हैं, मैंने ये ले लिया 3/2, तो ये आ जाएगा 15/4, तो ये जो 15/4 है ये दोनों से बड़ा होगा, 5/2 से भी बड़ा होगा और 15/4 3/2 से भी बड़ा होगा। तो ये पॉइंट को इस तरीके से आपको याद रखना है। क्या तीनों पॉइंट समझ में आ गए बेटा आपके? यस सर। तो अभी बेटा हम है ना क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो सभी बच्चे नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, 4 × 3/2,
ध्यान से बेटा, अगर कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे, है ना, नहीं कट रहा होगा तो डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, पोल सेक्शन में जाकर आपको उत्तर कर। सर भेज दिया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। सही है, माइक बंद कर लेंगे बेटा, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया मेरे पास आंसर आ गए हैं, तो बाकी बच्चे, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक, वो बच्चे भी आंसर करें बेटा। ध्यान रखेंगे जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे जल्दी से, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। जब तक आंसर नहीं आएंगे सभी बच्चों के, तो क्लास को बिल्कुल भी आगे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर जिसको पोल में जाना नहीं आता है, वो ध्यान रखेंगे कि तीन बिंदु पर क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है एक्टिविटी का, और जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा आपके पास पोल का, और पोल पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं ये, तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं कि आंसर आ रहा है, ठीक है, चेक करते हैं अभी। दो से बिल्कुल, चार कट गया था। बिल्कुल 6 ही आंसर आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चों ने ना सी ऑप्शन लगाया है। हाँ बिल्कुल 6 आंसर आ रहा है, 6 ही आंसर आ रहा है, तो वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है। बेटा जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है, वो बच्चे ध्यान देंगे कि अगर आप सामने सामने भी गुणा करते हैं तो आपके पास आएगा 4 × 12/2, है ना, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 ही तो आंसर आ रहा है, 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप डिवाइड कर दीजिए कि 2 × 2 = 4, है ना, 2 × 2 = 2, 2 × 4, तो ये आ गया 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 आंसर आ गया। कैसे आपका 12 आंसर आ रहा है, 12 तो आंसर आएगा ही नहीं। अभी समझ में आ गया बेटा जिन बच्चों ने उत्तर गलत किया था, जिसका 12 आंसर आ रहा था। अगर अभी भी किसी बच्चे का, अगर किसी भी बच्चे का अभी भी डाउट है तो पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी आगे आ जाते हैं बेटा, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बी, ठीक है। मैं फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको करना है। दिया हुआ है 4 2/3 की गुणा करना है आपको 3 1/3, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इसको अनुचित भिन्न में चेंज कर दो, दोनों को पहले अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे और उसके बाद आप आंसर करें। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना, तो सबसे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए सभी बच्चे, ठीक है, जिसमें चेंज करना है पहले विषम भिन्न में चेंज कर लेना है, अनुचित भिन्न में चेंज कर लेना है पहले दोनों को। और उसके बाद आप गुणा करें। यस सर। भेज दिया सर आंसर। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए ना, तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं,
ठीक है, वो बच्चे भी जल्दी से अपना उत्तर कर देंगे। चलिए सभी बच्चे उत्तर करेंगे बेटा, ठीक है। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना उत्तर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्या लिखा हुआ है, कि सबसे पहले तो आपको इसको विषम भिन्न में चेंज करना है, और विषम भिन्न में अगर हम चेंज करते हैं इसको तो आएगा 4 3 12, 12 और 2 14, तो 14/3 गुणा यहाँ पर आएगा 3 3 9 और 1 10, तो 10/3, ठीक है, 10/3। तो यहाँ सामने सामने गुणा करना है आपको, सामने सामने गुणा करेंगे तो आ जाएगा 140/9, 140/9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 140/9 मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही है। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सभी बच्चों को? यस सर, मैंने भी ये लगाया था। वेरी गुड, काफी बच्चों का उत्तर सही था, एक दो बच्चों का उत्तर गलत था, तो वो बच्चे ध्यान देंगे कि कहाँ आपका उत्तर गलत हो, ठीक है। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी अब हम है ना आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेटा डिवीजन, है ना, भाग। तो हम सीखेंगे कि भिन्नों को कैसे आपस में भाग कर, तो यहाँ हम देखेंगे कि भिन्नों को हम 3 तरीके से भाग कर सीख सकते हैं, है ना। पहला क्या होगा, भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। तो आपको पता है भिन्न तो 3 तरीके के होते हैं, एक उचित भिन्न का अगर आप पूर्ण संख्या से भाग करेंगे, है ना, उचित संख्या का पूर्ण संख्या से अगर भाग करेंगे, जैसे 4/1/2, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं पूर्ण संख्या से 3/2, ये उचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है, और ये वाला भिन्न अगर हम ले लें तो ये वाला भिन्न है हमारे पास मिश्र भिन्न, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके होंगे। पहला तरीका हम सीख रहे हैं पहले, भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग करना। तो ये रहा बेटा भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग करना, जैसे 2 को भाग करना है 1/2 से, ठीक है, 2 को भाग करना है 1/3 से, तो 2 को आप भाग करेंगे 1/3 से। बेटा एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लेंगे, बाकी सभी क्वेश्चंस को है ना एक ही तरीके से करना है, इसी तरीके से करना है ऐसे, ठीक है। तो भाग करने से पहले है ना आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम इंग्लिश में बोला जाता है रेसिप्रोकल। क्या कोई बच्चा बता सकता है व्युत्क्रम क्या होता है? कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट कर सकता है और बता सकता है, अगर जिस बच्चों को पता है। यस या नो? यस सर। चलिए तो बताएंगे, अगर पता है तो बताएंगे, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको कि क्या होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, कि जैसे 5/4 लिखा हुआ है, समझ लेंगे बेटा, यहाँ जैसे 5/4 लिखा हुआ है तो इसके अंश और हर को आपस में चेंज कर देंगे, बदल देंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बैटरी अब खत्म हो गई है तो आप चार्जिंग पर लगा लीजिए फोन को, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि 5/4 अगर आपको दिया गया है तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अंश और हार को आपस में चेंज कर देंगे, 4/5 कर देंगे, तो ये इसका व्युत्क्रम होगा, ठीक है। मैंने लिखा 9/2, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 2/9। क्या व्युत्क्रम समझ में आ गया है सभी बच्चों को? नो सर। व्युत्क्रम अगर समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। दिख रही, मैंने बोला, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। रीजॉइन कर लेंगे बेटा क्लास को, ठीक है। यहाँ पर जो व्युत्क्रम मैंने बोला है, व्युत्क्रम का मतलब होता है बस उसको उल्टा कर देना,
यहाँ 5/4 दिया है इसको उल्टा कर देंगे 4/5, यहाँ 9/2 दिया हुआ है इसको उल्टा कर देंगे 2/9, सब नहीं दिख रही है, 1/3 दिया हुआ है 1/1। ठीक है, मैं अभी फिर से स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकेंगे सभी बच्चे और अभी बताएंगे सभी बच्चे कि स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। दिख रही है सर, दिख रही है सर। चलिए, तो अभी व्युत्क्रम का मतलब समझ में आ गया सभी बच्चों को कि यहाँ पर क्या करना है, आपको उल्टा कर देना है बस, ठीक है, 1/3 दिया हुआ है तो 1/3, तो अगर आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 अगर आपको दिया हुआ है, माइक बंद कर लेंगे बेटा, माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है, तो यहाँ पर 4 अगर दिया हुआ है तो इसको आप क्या करेंगे, 1/4 कर देंगे, ठीक है, 1/4 कर देंगे बेटा। ये जो हैंड रेज कर रहा है बच्चा बार बार, अगर कोई डाउट है तो पूछ ले। यहाँ अगर आपको 10 दिया हुआ है तो 10 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/10 बेटा, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है व्युत्क्रम में। समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, यस सर, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो बेटा अब यहाँ पर चीजों को समझेंगे कि यहाँ दिया हुआ है। नहीं आई बेटा, क्या समझ में नहीं आया आपको? पारस के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में, क्या समझ में नहीं आया है, बोलेंगे बेटा क्या समझ में नहीं आया है व्युत्क्रम में? आपको मैंने सिंपल इतना बोला है कि आपको है ना उल्टा कर देना है, अगर समझ में नहीं आया फिर से समझ लीजिए कि 11/4 दिया हुआ है तो इसको उल्टा कर देंगे, ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। सिंपल, अभी समझ में आ गया है पारस के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है? नहीं आया सर। बेटा क्या समझ में नहीं आया है? बेटा जिसको समझ में नहीं आया अनम्यूट करेंगे अपने आप को और बताएंगे कि क्या समझ में नहीं आया। आ गया सर, समझ में नहीं। अगर आप ये ठान कर बैठे हैं कि समझना ही नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। मुझे समझ में आ गया सर। ठीक है, अगर आप ये समझ कर क्लास को ज्वाइन कर बैठे हैं कि हमको समझना नहीं है तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे वो बच्चे, सभी बच्चे, ठीक है, कि हमें ना भाग करना है। अब भाग करने के लिए आपको एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है कि यहाँ पर ये जो पहला नंबर होगा उसको तो आपको ऐसे ही लिखना है, उसको कुछ नहीं करना है। इसके नीचे 1 मैंने मान लिया और इसको मैंने ऐसे ही लिखा, इसको कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद आप भाग, जो ये भाग दिया गया है इसको आप गुणा में चेंज कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद ये जो सेकंड नंबर का जो भिन्न दिया हुआ है इसको करेंगे आप व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? क्या होगा बेटा 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा इसका? 3/2। 3/1, तो 3/1 यहां पर लिखेंगे। अब क्या करना है आपको, यहां पर गुणा करना है। सिंपल, क्या दिया हुआ है बेटा, गुणा दिया हुआ है तो गुणा करना है। गुणा करना हमें आता है कि सामने सामने गुणा करते हैं, तो ये आ गया बेटा 2 × 6/1, 6/1, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो 6 आंसर आ गया आपका। क्या चीजें समझ में आ गई है सभी को? सर व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करके लिखना है। पास बोल रहा हूँ। हाँ यस सर, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन को और समझ लेंगे ध्यान से। मैंने यहाँ पर लिखा 4 को भाग करना है 5/3 से, तो मैंने क्या बोला आपको कि पहले वाले नंबर को तो ऐसे ही लिखना है, 4/1 ही लिखना है, ठीक है, उसको गुणा कर देना है बेटा। एक मिनट बेटा, अभी ध्यान से समझ लेंगे सभी बच्चे कि भाग को आप गुणा में चेंज कर देंगे और सेकंड वाले नंबर को आपको क्या करना है, व्युत्क्रम कर देना है, उल्टा कर देना है, तो 3/5 अब आपको गुणा कर देना है, ठीक है। अब आप गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4 × 12 और 5 × 12, ठीक है बेटा। समझ में आया सभी बच्चों को?
यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। यस सर। अब देखो यहाँ पर यही चीज यहाँ पर दिखाई गई है क्या, किसी पूर्ण संख्या को एक भिन्न से भाग करने के लिए उस पूर्ण संख्या को उस भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। तो व्युत्क्रम मैंने बताया आपको कि व्युत्क्रम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी दिया गया है, जैसे 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/3 होगा, बस उसको उल्टा कर देना, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो फिर से समझ लें। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना। तो ये आ गया 4/3। अब यहाँ पर 2 की भाग करना है 1/3 से, तो 2 को तो आप ऐसे ही रखेंगे, 2 को आपको ऐसे ही रखना है, भाग को आप चेंज कर देंगे गुणा में, भाग को आपने चेंज कर दिया गुणा में, और इसको कर देना है व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 3/1 हो जाएगा। अब क्या करना है, सामने सामने गुणा करना है, तो ये आ जाएगा 2 3 6 और 1 1 1, मतलब कि 6 आंसर आपके आ गए, ठीक है। तो 6 आंसर है आपका। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। क्या ये चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। चलिए, समझ में आ गया है तो बेटा मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 16 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 3/, या मैंने यहाँ पर लिखा 4/3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 16/1 को ऐसे ही कर देना है और इसको गुणा में चेंज करना है, ये 3/4 आ जाएगा। 3/4 होगा, 3/4 हो गया। अब गुणा करना है, देखो कोई डिवाइड हो रहा है क्या, डिवाइड हो रहा है, 4 1 4 4 4 16, तो आपके पास क्या बचा, 4/1 बचा, 3/1 बचा यहाँ पर, तो 4 3 12 आंसर आ गया, 12/1, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते, ठीक है। चलिए तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। सभी बच्चे इसका आंसर है ना फोर सेक्शन में करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को सिंपल दिया हुआ है, 5 है ना, 5 दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपको कहां पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। इसका व्युत्क्रम बताना है कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, तो चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना है आपको, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर कर, 5 का व्युत्क्रम बताना है कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, 5 का व्युत्क्रम बता। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 5 सेकंड के बाद पोल बंद करो। 1 2 3 समझ में नहीं आया, 4 5, ठीक है बेटा समझ लेंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया है अभी, ठीक है। तो जिसके पास फोन नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर लिख सकते। बेटा व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना इसको, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे और ये हो जाएगा बेटा 1/5। ये होता है व्युत्क्रम का मतलब। व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश और हर को आपस में चेंज कर देना। जैसे 3/4 दिया हुआ है तो इसका व्युत्क्रम होगा 4/3। क्या अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, ये जो टिंकू के नाम से बच्चा है बेटा, अभी टिंकू के नाम से जो बच्चा है क्लास में, अभी इतनी बार मैंने ये आपको बता दिया है और आपका अभी भी आंसर है ना बी आ रहा है। बेटा अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है 10, तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/10। 15 दिया हुआ है, 1/15 होगा इसका व्युत्क्रम, ध्यान रखेंगे इन चीजों को। तो इसका सी आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो इसका आंसर भी आपको कहां पर करना है, पोल सेक्शन में। 8 को भाग करना है किससे, 4/5 से। तो अभी हमने इस तरीके के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को,
और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। कर दिया सर। शाबाश, चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। कर दिया सर आंसर। 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बी आंसर है सर इसका। बिल्कुल बी ही आंसर है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो बच्चे डी ऑप्शन लगा रहे हैं, जो बच्चे सी ऑप्शन लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों ने डी ऑप्शन और सी ऑप्शन लगाया है कि कहां पर आपकी मिस्टेक हुई है, उस चीज को आप समझेंगे। बेटा माइक को बंद कर लेंगे अभी। तो यहां पर मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन इस तरीके के करके दिखाए हैं और बोला है कि सारे क्वेश्चन एक तरीके से होंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया है तो बाकी सभी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं, 8 चौक 32, 32/5 डी ऑप्शन आ गया। बेटा यहाँ पर गुणा कहाँ दिया हुआ है, अभी तो भाग दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप इसको गुणा में चेंज करेंगे और गुणा में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 8/1 को ऐसे ही रखना है और अब भाग को चेंज करेंगे गुणा में और इसको करेंगे व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसको उल्टा कर देना ऐसे। अभी जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उसको डिवाइड कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, तो आपके पास आंसर आ गया 2 5 10 और 1 एकम 1, या फिर आप क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। तो 10 आंसर आ गया। इस तरीके के तो क्वेश्चन मैंने करके दिखाए हैं ना आपको सर, ये तो 2 मिनट पहले ही करवाया था। चलिए फिर भी आपके है ना कुछ बच्चों के आंसर गलत आ रहे, तो ध्यान रखेंगे। अगर बेटा क्लास को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो प्रॉपर बिल्कुल बी, जिसने भी बी ऑप्शन लगाया है उन सभी बच्चों का आंसर सही। चलिए अभी आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ हम बात करेंगे पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग। तो यहाँ पूर्ण संख्या हम ले लेते हैं, ये रही पूर्ण संख्या, देखो सेम है बेटा। यहाँ पर इसको भाग करना है, आप इसके नीचे 1 मान लीजिए, सेम क्वेश्चन बन गया। मैंने आपको बोला कि एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5/6 को ऐसे ही रखेंगे और भाग को चेंज कर देंगे गुणा में और इसका कर देंगे व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखो 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1, 6 की गुणा 1 में करेंगे तो 6 एकम 6, तो 1/6 आंसर आ गया। क्या चीजें समझ में आ गया सभी बच्चों को? जी सर। अम्मा सर चलिए तो आगे आ जाते बेटा। तो ये देखो यही यहाँ पर दिया गया है कि आप कैसे इसको गुणा करेंगे। तो 5/6 को ऐसे ही रखना है, भाग को चेंज कर देना है गुणा में और इसका कर देना है व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5, आपको 15 दिया हुआ है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/15 होगा। आपको 100 दिया हुआ है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/100 होगा, ठीक है। अगर पूर्ण संख्या दी हुई है तो उसका व्युत्क्रम 1/1 हो जाता है। चलिए तो ये हमारे पास आंसर आ गया है क्या, 1/6। क्या चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। नो डाउट सर। चलिए तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ अभी, सभी बच्चे ध्यान से नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा क्या, आपको दिया हुआ है 10/11 को भाग करना है 20 से। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने और पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया।
यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि क्या क्या आंसर आपको दिए हुए, ये 2/11 है, ये 11/2 है, ये 22 है, ये 1/22, तो इसमें बताना है कि आपका क्या आंसर आ रहा है। सर भी कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, अभी बाकी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो भी आंसर कर दे। सर जैसे आपने समझाया था उसी तरह से हमने सोलो करके आंसर दिया है। वेरी गुड बेटा, चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। पोल सेक्शन बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है, लेकिन काफी बच्चे वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों के उत्तर गलत भी आए, तो वो बच्चे ध्यान देंगे कि आपके उत्तर क्यों गलत हुए। बेटा मेथड को फॉलो कीजिए ना, मैंने बोला है सिंपल, आपको पहले नंबर को ऐसे ही रखना है आपको, उसके बाद इसको गुणा में चेंज कर देना है, इसका व्युत्क्रम होता है 1/20। चार चार बार मैंने लिखकर बताया है आपको कि अगर आपको 100 दिया हुआ है तो उसका व्युत्क्रम 1/100 होगा, यहाँ 20 दिया हुआ है तो 1/20 होगा। उसके बाद ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं आपस में, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। चलिए आप गुणा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 और 11 दूनी 22, तो 1/22 आंसर आया। ठीक है, 1/22 आंसर आया। चलिए अभी समझ में आ गया बेटा, जिन बच्चों ने उत्तर गलत लगाया है, सर इसमें जिन बच्चों के उत्तर गलत आ गए, क्या हुआ बेटा? सर इसमें बाकी जगह गुणा करना है बेटा, यही बताया है मैंने सभी क्वेश्चंस में। आपने बहुत पहले ही बता दिया सर, इससे अभी सुना है। अभी चार पांच क्वेश्चन हमने किए हैं, सब में हमने भाग को चेंज करा है गुणा में। चलिए बेटा आगे आ जाएंगे अभी, तो अभी देखेंगे तीसरे टाइप का क्वेश्चन। बेटा माइक को बंद करेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन, मैं क्लास से रिमूव करूंगा आपकी बार अगर माइक ऑन हो गया। तो यहाँ बात करेंगे पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का भाग करना, मतलब आपको मिश्र भिन्न दिया जाएगा आपकी बार, ये रहा मिश्र भिन्न। तो ये तो आपको आता है कि अगर जब भी आपको मिश्र भिन्न दे दिया जाए तो सबसे पहले आप उसको अनुचित भिन्न में चेंज कर लेंगे, कर दीजिए चेंज। 4 3 12, 12 और 2 14, तो 14/3 को भाग करना है 7 से, या हम कह सकते हैं 7/1 से। अब क्या करते हैं उसके बाद कि 14/3 को तो ऐसे ही लिखेंगे और भाग को चेंज कर देंगे गुणा में और मैंने इसको सॉल्व भी कर लिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, तो अभी जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करेंगे, 7 2 14 और 7 एकम 7 और 7 2 14, तो ये आंसर आ गया बेटा 2/3 है ना, 2/3 आया है। वेरी गुड बेटा, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए अगर किसी भी बच्चे का डाउट रह गया तो मैं एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। मैंने लिखा 5/5 से ही 3/2 को भाग करना है 16/3 से, है ना, 16/3 से। तो मैंने क्या किया, पहले इसको चेंज किया, 5 2 10 और 3 13, 13/2 को भाग को चेंज कर दिया गुणा में और इसको कर दिया रेसिप्रोकल, तो यह आ जाएगा 13 3 39 और 16 2 32। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा सबको? यस सर, आगे आ जाएंगे बेटा अभी। तो यहाँ देखो पहला स्टेप क्या बोला गया, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित करना, कर दिया हमने उसको परिवर्तित, है ना, और उसके बाद हमें तो वही मेथड अप्लाई करना है कि 14/3 को हम ऐसे ही लिखेंगे और भाग को गुणा में चेंज कर देंगे और इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 2/3 आंसर आ।
चलिए अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो सभी बच्चे उसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो क्या है क्वेश्चन, कि 8 4/5, ठीक है, 8 4/5 को भाग करना है 11 से। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना। बेटा ध्यान से नोटबुक में सोल्व करना है पहले और उसके बाद आपको आंसर करना है। सर सोल्व करके भेज दिया सर। वेरी गुड बेटा, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। तो जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, ठीक है, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। और बताया है मैंने कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे आप, लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आता है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाते हैं, तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। वेरी गुड बेटा, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। बेटा निशान बीच में नहीं बोलना है बेटा। 5, ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, ठीक है। तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए वो बच्चे ध्यान देंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, काफी बच्चों ने उत्तर सही लगाया है। 8 5 40 और 4 44, 44/5 भाग को गुणा में चेंज किया, इसका रेसिप्रोकल किया तो 11 कम 11, 11 चौक 44, तो ये आ गया 4 1 4 5 1 5, तो 4/5 आंसर आया है, मतलब कि सी ऑप्शन। तो वो बच्चे ध्यान देंगे जो बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे हैं, ए ऑप्शन लगा रहे हैं। बेटा अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ लीजिए कि सर मेरे को ये चीजें यहां तक समझ में आई है, यहां के बाद मेरे को समझ में नहीं आया है, आप वापस से बता दीजिए। लेकिन आप बार बार क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। सर मेरा सही था। वेरी गुड बेटा, तो अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। अब एक ही चीज को बार बार गलत करते रहेंगे तो फायदा क्या होगा, और ये क्लासेस आपको सिखाने के लिए हो रहा है, आपको गलत पढ़ाने के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात को कि अगर आपके उत्तर बार बार गलत आ रहे हैं तो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए कि सर मेरा यहाँ से समझ में नहीं आया है, आप वापस से बता दीजिए। ठीक है मेरा आंसर। चलिए अभी एक बच्चे बोल रहा है कि वापस से बता दीजिए, ठीक है मैं वापस से इसको रिपीट कर कि किस तरीके से आपको सोल्व करना है। मैंने यहाँ पर आपको बोला है कि आपको सबसे पहले इसको विषम भिन्न में चेंज करना है, और विषम भिन्न में चेंज करने के लिए आप इन दोनों की गुणा करेंगे, 8 5 40 40, और फिर आप इसको जोड़ देंगे 40 और 4 44, तो 44/5 आ गया यहाँ पर। उसके बाद आप क्या करते हैं, भाग को चेंज करते हैं गुणा में, आप चेंज ही नहीं कर रहे, कर ही नहीं देख रहे हैं नोटबुक में। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। मैंने बताया है अगर आपके पास कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है उसका व्युत्क्रम 1/5 होगा, 11 लिखा हुआ है तो इसका 1/11 होगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि 11 1 11 ये डिवाइड हो रहा है और 11 चौक 44, तो 4 की गुणा करेंगे 1 में तो 4 आएगा, 5 की गुणा करेंगे 1 में तो 5 आएगा, तो 4/5, ठीक है। अभी समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग, है ना, एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग हम सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है बेटा, सेम तरीका है, मैंने आपको बोला था कि आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं कि 2/5 को ऐसे ही लिखना है
भाग को गुणा में चेंज कर देना है और इसको उल्टा कर देना है, 11/8। अब अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए कि 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो आपके पास बच्चा 1/5 और यहाँ पर बच्चा 11/6, तो आंसर आ गया 11 एकम 11 और 5 चौक 20। क्या चीजें क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। सर सभी क्वेश्चंस में दूसरे पद को बदलना पड़ता है? हाँ बेटा, सभी क्वेश्चंस में दूसरे पद को बदलना पड़ता है। चलिए, अगर समझ में आया है बेटा तो आगे चलें। अभी मैं फिर से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे, ठीक है? मैं फिर से क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, तो यहाँ पर यही चीज आपको बताई गई है कि 2/5 और हमने भाग को गुणा में चेंज किया और इसको बदल दिया 11/8। अब हमें गुणा करना है और गुणा करना हमें आता है, ठीक है? चलिए, अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बेटा आपको करना है पोल सेक्शन में। दिया हुआ है 7/8 को भाग करना है 7/16। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ठीक है? सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर ये क्वेश्चन सबसे इजी था। वेरी गुड, बिल्कुल बेटा, सभी क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। चलिए, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आए हैं। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सर जो आप मेथड बताते हो ना उसको फॉलो करके सवाल करते तो सर सारे आंसर ठीक ही आते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, अगर एक क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझ लिया है वही मेथड आपको अप्लाई करना है बस। चलिए, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर बी है। वेरी गुड, बिल्कुल बी ही आंसर आया है यहाँ पर। मैंने बताया आपको कि पहला नंबर को तो ऐसे ही रखना है, इसको गुणा में चेंज कर देना है और इसको उल्टा कर देना है 16/7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो मेरे पास तो 2 ही बचा है बस। मतलब क्या आंसर आ रहा है? 2 आंसर। यस सर। चलिए, तो एक और क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं अभी, ठीक है? इसका भी आंसर आपको कहां पर करना है? पोल सेक्शन में करते बेटा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है? सेम क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने सोल्व किया था वैसे ही सोल्व करना है। चलिए, पोल सेक्शन में सभी बच्चे इसका उत्तर करें। वेरी गुड, लेकिन कुछ बच्चे हैं ना अभी भी ऐसे हैं जो बच्चे ना तो समझ रहे हैं चीजों को कि किस तरीके क्वेश्चन को सोल्व करना है, है ना? एक ही मेथड को फॉलो कर रहे हैं बार बार, जिसको मैंने मना किया है ना, बार बार वही चीज वो कर रहे हैं। कि बार बार वो क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे क्लास में जो बच्चे 4 की गुणा कर रहे हैं 2 में 4 दूनी 8 और 5 किया 15। मैंने मना किया है कि बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा गलत होगा आपका आंसर। बेटा मेथड को अप्लाई कीजिए ना, जो मेथड बताया है मैंने आपको। सर जो आपने कई दिन से अप्लाई नहीं कर रहे सर, सही किया मैं आप वाले मेथड से सर किया सर आपने। बिल्कुल, अगर मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बिल्कुल आंसर सही है। लेकिन वो बच्चे ऐसे हैं जो मतलब समझना ही नहीं चाहते कि मैंने कितनी बार क्वेश्चन को करके दिखाया है यहाँ पर, है ना? अगर एक भी क्वेश्चन को वो ध्यान से समझ लेंगे तो उनका आंसर सही आने लगेगा। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं। 1, 2, 3,
4, 5 ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही ही आंसर है। क्या करना है आपको कि 4/5 को बेटा वो बच्चा ध्यान देगा जो बार बार इस क्वेश्चन को है ना ऐसे सोल्व कर रहा है ना, वो बच्चा ध्यान देगा। मैंने बोला है कि पहले नंबर को आपको ऐसे ही लिखना है, भाग को गुणा में चेंज करना है और उसको उल्टा कर देना है। 3/2 तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 गुणा कर देना है, 2 × 3 = 6 और 5 × 1 = 5 तो 6/5 आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। ये टॉपिक है ना बेटा हमारा खत्म हो गया है अभी। हमने डिवीजन आज सीख लिया है कि कैसे हम भिन्नों को आपस में भाग कर, तो अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, ठीक है, क्लास में रुक जाएंगे। अगर डाउट नहीं है तो बेटा क्लास को लीव करते।